कभी सोचा भी नहीं था कि बच्चे हवालात में होंगे, वो भी एक ऐसे केस में जिसमें उनका कोई कसूर नहीं। ये तो हम लोग कह रहे हैं ना कि उसका कोई कसूर नहीं। पुलिस तो सबूत मांगती है, इसका मतलब है कि जब तक बच्चा नहीं मिल जाता, बच्चों घर वापस नहीं आएंगे। सांप कह रहा था कि जमानत के बगैर नामुमकिन है। तुम लोग रोना बंद करो, दुआएं हजात पढ़ो, अल्लाह बड़ा मुश्किल कुशा, वो हमारी मुश्किलें आसान करेगा। अल्लाह रहम कर दे हम पे, हमसे कोई गुनाह हुआ है तो माफ कर दे। अल्लाह रहम कर दे हमारे घर पे, हमारी गलतियां हमारे गुनाह माफ कर दे। हमारी बेटी का राज रहम कर दे अल्लाह, रहम कर दे हम पे, रहम कर दे मेरे भाई पे, रहम कर दे अल्लाह मियां मेरे भाई पे, रहम कर दे, रहम कर दे मेरे भाई पे, रहम कर दे अल्लाह हम पे, रहम कर दे मेरे भाई पे, रहम कर दे अल्लाह मियां। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी प्यारी बाजी घर आ जाए? रो क्यों रही हो? चलो एक काम करते हैं, दोनों आराम से इस मामले को हल करते हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना घटिया वार करोगे। गलती मेरी है, हमें तुम्हें बताती कि बच्चों सीसाइड गई है, ना ही तुम बच्चे को अगवा करते। मैं तो तुम्हें सोचने का वक्त देना ही नहीं चाहता था। अब अगर तुम चाहती हो कि बच्चा मिल जाए और सलामत भी हो ये मुलाकात के लिए भी ना क्या क्या करना पड़ता। तुम बच्चे को हाथ भी नहीं लगाओगे? अच्छा ठीक है, नहीं लगाता पिस्टल। नहीं नहीं प्लीज उसे कुछ मत करना। अरे परेशान क्यों हो रही हो, अभी तो बच्चा जिंदा है, आवाज सुनना चाहती है? अब अगर तुम चाहती हो कि सलामत ही रहे तो बस जैसा बोलता जाऊं करते जाऊं। हेलो हेलो हेलो